जब प्रशासक नियमों को लेकर दृढ़ संकल्पित होता है तो हठधर्मिता का अंत स्वाभाविक है। आईटी नियमों के परिवर्तन में मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प भी अब सफल हुआ है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने तो भारत सरकार के समक्ष पहले ही घुटने टेक दिए थे। मोदी कैबिनेट के विस्तार के पश्चात नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के कठोर वचनों के आगे ट्विटर की भी पूरी हेकड़ी हवा हो गई। केवल एक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में टाल मटोल करने वाला ट्विटर अब नियमों को मानने के लिए तैयार हो गया है। ट्विटर भारत सरकार के नए प्रावधानों से इतना अधिक भयभीत हो गया है कि अमेरिकी आईटी कंपनी ने सरकार के नियमों को स्वीकृति देते हुए तीनों अधिकारी एक ही झटके में नियुक्त कर दिए हैं। TFI पर आपका स्वागत है, मैं चमन मित्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अश्विनी वैष्णव के आईटी मंत्रालय की कमान संभालने के बाद ट्विटर घुटनों पर आ गया है। भारतीय आईटी नियमों और विधानों को स्वीकृति देने के विषय में मोदी सरकार के सामने सर्वाधिक नौटंकियां अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ही की थी। भारत सरकार के साथ ट्विटर का रवैया कुछ ऐसा था कि उसके बैन होने की स्थिति तक आ गई थी। इसके विपरीत अब ये मामला ही ठंडा पड़ चुका है। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के आने के बाद से ही ट्विटर मोदी सरकार के सामने झुकने की मुद्रा में आ गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि ट्विटर भारत सरकार के नए आईटी नियमों को पूर्णतः लागू कर चुका है, जो कि उसके भय को प्रतिबिंबित करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबे समय से चल रहा सरकार बनाम ट्विटर का मामला अब ठंडा पड़ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए अपने उत्तर में ट्विटर के अधिवक्ता ने कहा कि ट्विटर ने सरकार द्वारा घोषित नए नियमों के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ट्विटर के अधिवक्ता साजन पुवैया ने कहा, कंपनी ने नए आईटी नियमों के अनुपालन में 4 अगस्त को CCO, RGO और नोडल संपर्क अधिकारी के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है। न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा भी पेश किया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर के एक अस्थायी कर्मी को CCO नियुक्त करने के फैसले पर रोष प्रकट किया था एवं स्पष्ट रूप से कहा था कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया, जो कि आलोचनात्मक है। सरकार के साथ चल रहे इस टकराव के विषय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सहमति तक दे दी थी कि नए आईटी नियमों की अवहेलना के संबंध में सरकार अपने नियमों के अनुसार ट्विटर पर कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते कोई आक्रामक वक्तव्य तो नहीं दे रहे थे, किंतु उनका एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ये स्पष्ट रूप से कहना था कि ट्विटर के लिए भारतीय कानूनों पर सहमति देना अनिवार्य है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्विटर को अंतिम चेतावनी देते हुए 6 अगस्त तक नियमों की सहमति के संबंध में हलफनामा देने के लिए कहा था। एक तरफ केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर धैर्य धारण किए हुए थे, किंतु उनका रवैया आक्रामक था। ऐसे में अगर ट्विटर दिल्ली हाईकोर्ट के अंतिम आदेश को भी नज़रअंदाज कर देता तो उसके लिए भविष्य का मार्ग कठिन हो जाता। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ट्विटर ने अब भारत के आगे पूर्ण रूप से घुटने टेक दिए हैं।